वही लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार यानी 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में 11 राज्यों की 95 सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वही जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग रजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहां छठे फेज में यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकंड फेज 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई। बता दें मध्य प्रदेश की 3 सीटों विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद भौजाई के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1229 पुरुष और 123 महिला हैं।